इलाहाबाद विश्वविद्यालय अक्सर अपने विवादों को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन 24 नवंबर की शाम विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा हो रहा था कि जो उस रास्ते से गुजर रहा था वही सोच रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। शिक्षक भी वहीं थे, छात्र भी वहीं थे और उतनी ही पुलिस भी थी, लेकिन ना कोई हंगामा था ना कोई शोर शराबा, सब शांति का संदेश देने के लिए दीप प्रज्वलित कर रहे थे। शाम होते ही कला संकाय परिसर 51,000 दीपों से जगमगा उठा। शाम ढलती गई और अंधेरे ने अपनी चादर फैलानी शुरू कर दिया। वैसे ही दीपक भी सुनहरी रंगत के साथ जगमगा उठे। एक पल को ऐसा लगा कि जैसे आसमान ने अपनी मुट्ठी से कुछ तारे धरती पर बिखेर दिए हों। 51,000 दीपों की टिमटिमाती रोशनी ने वो आकर्षण बिखेरा जिसे शायद ही कभी लोग भूल सकें। लंबे समय बाद ऐसा अवसर रहा जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में एक साथ शिक्षक, छात्र, छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता, नव आगंतुक छात्र मौजूद रहे हों और नारेबाजी नहीं हो रही थी और सब एक दूसरे का अभिवादन करते हुए कैंपस में उजियारा लाने और कैंपस को जगमगाने की कोशिश कर रहे थे। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह भी मौजूद रही। प्रोग्राम है पूरा। देखिए, दीप का मकसद हमेशा एक ही होता है, वो होता है अंधेरे को दूर करके उजाले को फैलाना, प्रकाश करना। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी पिछले कुछ सालों में पढ़ाई से लेकर हर स्तर पर रैंकिंग गिरी है, जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, कुलपति जी ने अपने कार्यों को छिपाने के लिए, जो गलत कार्य थे उनको छिपाने के लिए जिस तरीके से छात्र संघ को बंद करने का प्रयास किया है, उसी क्रम में आज छात्रों के द्वारा, आम छात्रों द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला संकाय को प्रकाशित करके इस बात का संदेश देने का प्रयास किया है इन दीपों के माध्यम से कि अंधेरा चाहे जितना घना हो दीपक को जलाने से दूर होता है। तो इन दीपों के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में एक सकारात्मक बदलाव आए और ये प्रकाश यहाँ से लेकर विश्वविद्यालय के हर उस कोने तक फैले जहाँ पर अंधेरा फैल चुका है। छात्र संघ ने, छात्रों ने, आम छात्रों ने अपने सहयोग से छात्रों के लिए आज जिस कार्यक्रम का आयोजन किया है उनको बहुत ढेर सारी बधाई। और आप देख सकते हैं कि कितने दिनों के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तमाम छात्र, लड़के और लड़कियां साथ में खड़े होकर रंगोली बना रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और शायद इसी तरीके के समाज का निर्माण और इसी तरीके के विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण हमको करना है, जहाँ पर आम छात्र छात्राएं एक मैत्रीपूर्ण माहौल में, एकेडमिक्स के माहौल में साथ पढ़ेंगे, साथ सीखेंगे, साथ रंगोली बनाएंगे, साथ दीपक जलाएंगे। और आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मशाल जलाने वाले हाथों को दीपक जलाना भी आता है, आप इस कैंपस में आप देख सकते हैं। सीनेट हॉल परिसर के खुले मैदान में एक साथ 5100 दीप जलाए गए तथा अंग्रेजी विभाग के सामने 2100 दीप प्रज्वलित हुए। इसके साथ ही पूरे कैंपस में जगह जगह रंगोली भी बनाई गई थी। कला संकाय के सामने बनी 3D रंगोली सबका ध्यान खींच रही थी। छात्र छात्राओं के साथ कुल सचिव प्रोफेसर एनके शुक्ला, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रामसेवक दुबे, पीआरडी डॉक्टर चितरंजन कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र सिंह ने भी दीप जलाए। ईवीवी के दृश्य विभाग के छात्रों की ओर से 3 दर्जन रंगोली बनाई गई। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर कई रंगोली बनाई। सर्वश्रेष्ठ रंगोली को पुरस्कृत भी किया गया। प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।